वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। गाइस, आज के इस लेक्चर पे हम लोग दो ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी एसएससी सीजीएल या एसएससी की तरफ से कंडक्ट हो रहे कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा है, तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट कब आएगा और 2017 के साथ क्या होगा। चलिए, ये तो वो लोग हैं जो कि 2017 का मेंस लिख के बैठे हुए हैं। दूसरा टॉपिक ये चल रहा है कि एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और उससे भी एक लेटेस्ट जो आप लोगों के बीच पे न्यूज़ चल रही है स्टूडेंट कम्युनिटी पे, और जिससे लेकर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि क्या इस बार का एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी तक जो न्यूज़ है, जितना पता चला है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ये प्रिटी श्योर है कि टीसीएस ही आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। अभी कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं है, बट चांसेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है टीसीएस की एग्ज़ाम कंडक्ट करने की। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों को पैनिक सिचुएशन बन रही है टीसीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के कारण, मैं उसके ऊपर ही आप लोगों से बात करना चाहूँगा। क्लियर? ओके, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, टीसीएस आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करे या एसएससी आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करे या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी आप लोगों की एग्जाम कंडक्ट करे, क्या एक्चुअल पे ये मैटर करता है? क्लियर? अगर आप लोग पूछो तो क्या ये मैटर करता है, गाइस ये मैटर नहीं करता, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्स का, अगर एग्जाम का लेवल टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, एग्जाम अगर ईजी है तो वो सभी के लिए ईजी है। ठीक है, चलो ओके। अब स्टूडेंट लोगों में ये बहुत है कि मतलब सी स्टूडेंट्स लोग सोच रहे हैं कि यार टीसीएस कंडक्ट करेगा तो एग्जाम का लेवल टफ आएगा। ठीक है, अरे आप लोगों को टफ लेवल की प्रिपरेशन करो ना, कौन रोक रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे, पेपर सिंपल आया तो आप लोगों को उतना ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अब ये क्या एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि पेपर सिंपल आएगा? सी कंपटीशन इतना है, पेपर सिंपल आया कट ऑफ ऊपर जाएगा, पेपर टफ आया कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, बट जो आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए वो ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि पेपर, सी आप लोग अपने आप को कैट लेवल तक की प्रिपरेशन पे रखो ना। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, टफ से टफ क्वेश्चंस करो। मैं तो हमेशा से ये बोलता हूं, अपने बेसिक स्ट्रांग करो, और उसके बाद एक बार बेसिक क्लियर है तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो या कैट का क्वेश्चन हो या जेड का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, गाइस आप लोगों को क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर देना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्यूज नहीं होता कि पेपर टफ है। ठीक है, और इसी पे आप लोग बहुत ज्यादा सर्च कर करके दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराए, पेपर हार्ड आए इजी आए। मेरा आप लोगों को यही एक सजेशन है कि आप लोग पहले अपने बेसिक को स्ट्रांग करो, और उसके बाद धीरे धीरे करके एकदम टफ लेवल तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। बेस से स्टार्ट करना है, टफ लेवल तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एग्जाम पे बैठना है। ठीक है, इजी लेवल का पेपर आएगा सोच के प्रिपरेशन नहीं करनी, प्रिपरेशन हमेशा ये सोच के करनी है कि पेपर टफ आएगा। क्लियर? ओके, सो एक्चुअल में अभी टीसीएस ने एसएससी के दो पेपर कंडक्ट भी कराए थे, और उन पेपर का अगर मैं रिव्यू देखता हूं, ठीक है, तो उन पेपर्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं है गाइस। जैसे पहले आप लोगों के पेपर होते थे बिल्कुल वैसे ही पेपर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज तो हर बार ही होता है। ठीक है, अब देखो मेजर जो चेंज होता क्या है एक कंप्यूटर एग्जाम पे, ठीक है, एक ऑनलाइन पेपर पे और एक ऑफलाइन पेपर जिसे आप लोग पेपर पेन से देते हो। सी जो पेपर पेन पे जब एग्जाम आते हैं ना, तो क्या होते हैं, क्वेश्चन सीक्वेंस पे होते हैं। ठीक है, मान लो आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए ना, तो डायरेक्ट 25 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, फिर एक्टिव वॉइस के होंगे, फिर सिनोनिम्स के होंगे, फिर एंटोनिम्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर पैराग्राफ होगा, इस टाइप से एक सीक्वेंस होगा जो सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। बट जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास तो एक डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, और जैसे आप लोग अपना नंबर डालते हैं तो वो प्रोग्राम्ड होता है और रैंडमली आप लोगों को 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के निकाल के वो सामने दे देगा। तो क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चन जंबल्ड अप होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि क्वेश्चंस जंबल्ड अप, तो ठीक है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, फिर सिनोनिम्स आ गया, फिर एक्टिव पैसिव आ गया, फिर दो पैसेज आ गए, फिर तीन सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ गए, फिर तीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, फिर एक्टिव पैसिव आ गया, इस तरह से जंबल्ड हो सकता है। बट गाइज इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग कहोगे कि यार दिमाग पे एक होता है ना कि फिक्स्ड हो जाता है कि अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए दिमाग को रेडी रख लिया, ठीक है, कोई नहीं, अब दिमाग को वैसे रैंडम क्वेश्चंस के लिए रेडी रख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। अब मैं आपको 2+3 पूछूं या घुमा के पूछूं कि उसके बाद 5+7 पूछूं, ठीक है, उसके बाद 9+10 पूछूं, कुछ भी रैंडमली पूछ लूं, आप लोग मुझे बता सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप लोगों को पता है कि क्या आंसर होगा, कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए आप बता सकते हो। तो सेम एग्जाम के केस पे है, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चंस कैसे भी रैंडमली आए, कहीं से भी आए, आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में सब टीचर लोग जो भी है, जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, या एक पैनिक वाला एक सिचुएशन बना दिया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी में, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है, कि क्या आएगा, कैसे होगा, उस चक्कर में आप लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है। यहां पर अब बात आती है, अब कितने लोग बोलते हैं कि यार TCS एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो पेपर की आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करते थे, अभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही याद करना है, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वही याद करना है, पहले मेंसुरेशन सॉल्व करते थे, अभी भी मेंसुरेशन ही करना है, क्लियर। स्ट्रेटजी में आप लोगों के कोई चेंजेस नहीं होंगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं होंगे, नोटिफिकेशंस आने के बाद जब तक आप लोग एग्जाम लिखने जाओगे ना, उससे 2-4 दिन पहले आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि किस टाइप के, अगर थोड़े बहुत पैटर्न्स पे चेंज हो रहे हैं तो किस टाइप के पैटर्न्स पे चेंज हो रहे हैं। चलो कुछ मेजर अगर कुछ चेंजेस आते हैं कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ के से कोई अलग ही कैटेगरी का से टोन ऑफ सेंटेंस को चेंज करने के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले नहीं आते थे, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो चलो, हाँ मैं मानता हूँ अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस आ रहे हैं कि असर्टिव अफर्मेटिव, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि हम लोग वो चीज नहीं पढ़ते हैं। बट अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ही आ रहा है, एरर ही आ रहा है, चाहे वो रैंडमली दे या कैसे भी दे, आप लोग उसे ईजिली अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर लोगे। तो एटलीस्ट एट प्रेजेंट आप लोगों को अपने स्ट्रेटजी में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसे ही पढ़ो गाइस, कुछ चेंज नहीं करना अभी, एटलीस्ट जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बाद, एक बार होता है ना धीरे धीरे पता चल जाता है, जैसे जैसे आप लोग एग्जाम के पास पहुंचोगे तो क्लैरिटी बन जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये एक नया टाइप आने वाला है, ठीक है, अगर वैसा कुछ मेजर चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि हाँ ये मेजर चेंज एक्सपेक्टेड है, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहना, बट एज ऑफ नाउ कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जो स्ट्रेटेजी अभी आप लोगों ने CGL 2018 के लिए बना रखी है, आप लोगों ने उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो SSC CGL 2018 को कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर पर डिस्कस कर रखा है, जहां पर कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, ताकि आप लोग क्या करो, एग्जाम को क्लियर करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टली वर्क करो, ठीक है। कैसे स्मार्टली आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, इससे पहले वाले लेक्चर पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है गाइस। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटो यही था कि जो लोग भी इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गाइस, अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो 10 मिनट टाइम वेस्ट ही है, ठीक है, बट अब ऐसा है कि 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया, चलो कोई नहीं है, बट ऐसा है कि 10 दिन का टाइम वेस्ट ना कर दो इसी चक्कर पे, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर ये वीडियो बनाया है। होपफुली आप लोगों के दिमाग पे जो
है, एक पैनिक वाला सिचुएशन है, मैंने उसे काफी काम डाउन कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को गाइस पक्का से शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की तरह बाकी स्टूडेंट जो भी पैनिक हो रहे हैं TCS को लेकर, उन लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए और वो भी अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे वैसे ही स्टार्ट करें, अपनी स्ट्रेटेजी पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, इस वीडियो पसंद आया तो लाइक पक्का से कीजिए, चैनल ऑनलाइन गुरुजी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा गाइस, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए, और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी ग्रुप पे आप लोग एक्टिव हो वहां पर इस वीडियो के लिंक को पक्का से शेयर कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन गुरुजी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।